नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। सिद्ध पर्यटन केंद्र काला आम के परिसर में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे। समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री के ध्वजारोहण व नौ वीर मराठा योद्धाओं के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वंदे मातरम व भारत माता की जय के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही शांति भारत की धरोहर रही है। सभी लोग शांति चाहते हैं, लेकिन शक्ति शांति का आधार होती है और भारत ने संसार को परिवार माना है और भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश भी इसी देश की भूमि से दिया है। लेकिन शक्ति के बिना शांति संभव नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण व वीर शिवाजी मराठा ने शक्ति के सिद्धांत को अपनाया था। उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं और धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक समारोह भी आयोजन किए जाते हैं, लेकिन जहां देशभक्ति व राष्ट्रवाद की बात हो तो हमें सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहिए। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। सारे देश में कुर्बानी, महाराष्ट्र का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां से कोई ना कोई एक व्यक्ति इस युद्ध के अंदर बलिदान न हुआ हो। उस युद्ध को हम याद करते हैं, वीर पुरुष लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़ते समय या तो दुश्मन को दांत खट्टे करके, हरा करके, मार करके नेस्तनाबूद करते हैं, भूमि में मिला देते हैं, और या फिर स्वयं अपना बलिदान दे करके और अपने आप को भारत भूमि के अंदर विलीन कर लेते हैं, सीना चौड़ा करते हैं, शहीद होते हैं, और उन शहीदों की याद करके अगली आने वाली पीढ़ी हमेशा हमेशा के लिए माथा ऊंचा करके कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था। प्रश्न जीत हार का नहीं होता, प्रश्न होता है कि एक मन में विचार लेकर के बलिदान ही देने का, कि हारे नहीं बल्कि अहमद शाह अब्दाली और उनकी सेनाओं की मानसिकता को हरा दिया। वो कहे होंगे दिल्ली कुछ दिन के लिए, लेकिन बैठ के विचार करना पड़ा कि पानीपत का युद्ध बड़ा महंगा पड़ा है, आगे मत बढ़ो, चलो वापस अफगान। वहीं से वापस हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए। अर्थात देश की आजादी की नींव उस समय युद्ध के द्वारा रखी गई थी। वो जब नींव रखी गई थी तो उसके ऊपर इमारत बनी। 1947 में हम लोग आजाद हो गए। बहुत बलिदानियों के बाद आजादी मिली। इस आजादी को बरकरार रखना है। आजादी को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार के स्मारकों से जो प्रेरणा मिलती है, हमेशा इस पर कार्यक्रम होने चाहिए। अगली आने वाली पीढ़ी को याद कराते रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में यहां पर एक कार्यक्रम हुआ योद्धा स्मारक समिति की तरफ से। मैं एक बार पहले भी आया हूं, इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वर्षों से कार्यक्रम मराठा जागृति मंच इसके द्वारा भी किया जा रहा है। इस बार जब ये विषय आया कि 14 जनवरी को हम मराठा जागृति मंच की ओर से शौर्य दिवस समारोह कर रहे हैं, उसमें मुख्य अतिथि आई है। मुझे उधर याद था कि मैं एक बार पहले गया था। मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए, शहीद स्मारक समिति के जो लोग हैं वो भी अपने ही समाज के काफी लोग उसमें हैं, एक बार जरा मिल करके बातचीत कर लीजिए, सब लोग इकट्ठे होके आएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। और मुझे खुशी आज इस बात की कि आज इस मंच पर सब लोग इकट्ठे बैठे हैं। और केवल आज के लिए ही नहीं, आज मैं इन दोनों संगठनों को अपील भी करना चाहता हूं कि क्या हम सहमति आज के दिन जता सकते हैं, शौर्य दिवस समारोह करते हैं, ये मिलकर 14 जनवरी के इसी दिन किया करेंगे। अगर दोनों संगठन को लोग हां करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। क्यों वीरेंद्र जी करेंगे, क्यों राजेश जी करेंगे? एक संगठन के महासचिव बैठे हैं, एक संगठन के अध्यक्ष बैठे हैं, दोनों यहीं रहते हैं आसपास, और दोनों का अपना जीवन एक अच्छे चरित्रवान उच्च शौर्य दिवस को मनाने की जिनके अधिकार पूर्वक जो कर सकते वो कर रहे हैं। तो एक बात तो ये आज बहुत अच्छी सफलता मिली कि हम मिल करके समाज की एकता, संगठन ये बहुत जरूरी है। एकता अगर नहीं रहेगी, संगठन नहीं रहेगा, तुम दुश्मन से भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस एकता का भाव जरूरी है।
इसलिए इस ताकत को दिखाने के लिए ये काम जरूरी है। हमको बुद्ध चाहिए, साथ में कृष्ण भी चाहिए। कृष्ण वो भी इसी भूमि पर आकर, कुरुक्षेत्र के इस मैदान में, जिन्होंने लड़ाई के मैदान के अंदर अर्जुन को संदेश दिया था, गीता का सार शांति के लिए था। वो शांति खत्म करने के लिए नहीं था, लेकिन शांति कब आएगी? जब शांति में न्याय और अन्याय के युद्ध में न्याय की जीत होगी तो शांति आएगी, अन्याय अगर आगे बढ़ गया तो शांति नहीं आएगी। तो उस न्याय की जीत के लिए युद्ध को भी स्वीकार किया। तो आज दुनिया का सिद्धांत बन गया है कि अगर शक्ति है तो शांति आएगी, शक्ति नहीं है तो शांति नहीं आएगी। वीर जवानों को ताकत इकट्ठी करनी चाहिए, एकता के बल पर आगे बढ़ना चाहिए, संस्कार अच्छा होना चाहिए। विवेकानंद की हम याद करते हैं, परसों 12 जनवरी उनका जन्मदिन था, राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर हमने प्रदेश के युवाओं का आह्वान किया, एक हो जाओ, उठो, जागो, आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। तो ऐसे विवेकानंद चाहिए। विवेकानंद का बचपन का नरेंद्र दत्त, ऐसे नरेंद्र दत्त चाहिए। और आज के समय, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, चाहे धारा 370 को समाप्त करने के माध्यम से, इस देश की एकता ताकत दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी भी चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमको शांति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, बुद्ध का आधार। शक्ति और ताकत चाहिए, ताकत के लिए एकता चाहिए, जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए। जोश के साथ होश नहीं हुआ तो भटक सकते हैं। हमें चरित्र भी चाहिए, संकल्प भी चाहिए, निडरता भी चाहिए। अगर संकल्प और शक्ति ये हो गई और निडरता नहीं हुई, तुम डरपोक बन जाएंगे, भीरू बन जाएंगे। और निडरता है, संकल्प है, लेकिन चरित्र नहीं है, हम भी कुछ भी ताकत का काम करने वाले बन जाएंगे और रक्षक की बजाय भक्षक भी बन सकते हैं। तो इसलिए ना हमको भीरू बनना है, ना हमको भक्षक बनना है। और यदि संकल्प नहीं है, चरित्र है, निडरता है, करेंगे कुछ नहीं, आलसी बन के बैठ जाएंगे। हमको आलस भी नहीं चाहिए, हमको तीनों चीज चाहिए, चरित्र चाहिए, संकल्प चाहिए, निडरता चाहिए। इसको मैं कहता हूं चाय सह न चाशनी बनती है, ये चाशनी बना करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि छत्रपति शिवाजी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने वाला ये समाज सदा जागृत रहे, और देश और समाज के ऊपर कभी भी कोई संकट आए, मिलजुल करके उसके संघर्ष को हम लोग करेंगे। आप सबको इस मराठा शौर्य दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं यही आशा करूंगा कि निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।